नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तराखंड में जैन मुनियों के साथ अभद्रता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद से पुलिस ने आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामला टिहरी जिले के देवप्रयाग का बताया जा रहा है, जहां पर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीजीपी अभिनव कुमार ने एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी है। इस वीडियो में सड़क किनारे एक युवक कुछ दिगंबर संतों के साथ अभद्रता करता दिख रहा है, जिसके बाद से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हर पथ हर धर्म की अपनी विशेष खासियत होती है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर पंथ की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं और दिगंबर रहना जैन मुनियों में एक आम बात है। हमारे सनातन धर्म में भी नागा साधु भी बिना वस्त्रों के रहते हैं, तो इसमें आप कैसे किस चीज़ को लेते हैं, बड़ा गूढ़ रहस्य, इसमें बहस नहीं हो सकती है। अनेकों कहानियां किससे इसमें प्रचलित हैं, जिसमें तीन साधुओं की कहानी भी है, जिसमें नर्तकी डांस करती है, उनको फर्क नहीं पड़ता, फिर नर्तकी जब कपड़े उतारते तो एक साधु को फर्क पड़ जाता है, तो उसको कहा जाता है कि तेरा स्तर नीचे है, फिर उसके बाद दूसरी नर्तकी फिर नाचती रहती है तो वो अपने वस्त्र जब पूरे उतार देते हैं तो दूसरा साधु विचलित हो जाता है, वो कहता है गलत हो रहा है, तीसरा साधु जब वो पूरे वस्त्र भी खोल देती है तो वो कहता है कि अब इसको भी उतारो, मतलब मुझे आप अपनी मज्जा भी हटा के दिखाओ, अपनी हड्डियां दिखाओ, तो उसको असली साधु माना जाता है, क्योंकि ये अध्यात्म के शरण है। तो इसमें मेरे जैसे व्यक्ति का या किसी को टिप्पणी करना मेरे ख्याल से शोभा नहीं देता और न ही बहस का कोई विषय हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने का आदेश जारी किया गया है और इसी बात को लेकर के देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों में से 53,000 लोगों की सूची उन्हें प्राप्त हुई है, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने 50 से अधिक राशन कार्ड जारी कर दिए हैं और इस अभियान को उन्हें 10 जून तक पूरा करना है। ई श्रम मंत्रालय की एक पोर्टल है ई श्रम, तो उस पर जो है जिन श्रमिकों के नाम दर्ज हैं उनमें से जनपद के 53,000 लोगों के, ऐसे 53,000 लोगों के सूची हमें प्राप्त हुई है जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं। हमने उसमें टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं और कांटेक्ट करके उनके डेटा इकट्ठे कर रहे हैं और उनसे जानकारी कर रहे हैं कि उनके राशन कार्ड बने हुए नहीं बने हुए। और दिनेशपुर नगर पंचायत की तरफ से स्वर्गीय खुदीराम बोस स्टेडियम के पास ओपन जिम लगाया गया है, लेकिन कई दिनों से ओपन जिम के उपकरण खराब होने की वजह से क्षेत्र के कई लोगों ने नाराजगी जताई है और स्थानीय लोगों का कहना है कि जिम के 4 उपकरण लगाए गए थे लेकिन कई दिनों से एक उपकरण टूटकर गिर चुका है और बाकी के 3 उपकरण खराब हो गए हैं, इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से ओपन जिम को जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग की है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा कि जल्द ही जिम के जो टूटे हुए उपकरण हैं उन्हें सही करा दिया जाएगा। यहाँ पे रोज ग्राउंड में आते हैं हम लोग और हम जब से आना शुरू किया है ये बड़ा अच्छा बनाया था, लेकिन इतनी क्वालिटी घटिया थी कि हर 15 दिन में 10 दिन में एक ना एक इंस्ट्रूमेंट टूट जाता है। तो इतनी काम की चीज़ अगर इतना हल्के क्वालिटी में बनेगी तो कैसे बात बनेगी, बताइए। इस पर देख रेख कुछ भी, कोई भी इस सब ढीला हो रहा, हो गया, सब बेकार है। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां शहर के चौराहों के चौड़ीकरण के लिए 50 साल से अधिक पुराने लगभग 11 वृक्षों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इन वृक्षों को चिन्हित करने के लिए प्रशासन और वन विभाग ने संयुक्त सर्वे किया है। आपको बता दें कि डीएम के निर्देश पर शहर के प्रमुख 13 चौराहों और तिराहों का चौड़ीकरण और विकास कार्य किया जाना है और चौड़ीकरण में जो है कई सड़कों और चौराहों पर पुराने पेड़ बीच में आ रहे हैं, जिन्हें काटने के बजाय डीएम ने शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं।
और वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत पदभार ग्रहण करने पहुंचे, जहां सामाजिक समदर्शी संस्था के अध्यक्ष आरपी सिंह और महामंत्री डॉक्टर सुदेश चौहान ने अपनी कार्यकारिणी के साथ नए अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत को फूलमालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही जसपुर चिकित्सालय के हालातों में सुधार की मांग करते हुए चिकित्सालय के नाम पर लगा रेफर सेंटर हटाकर अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की मांग की है, जिस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने मीडिया के सामने समदर्शी संस्था के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिलाया कि चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगे। कि हमारे पहले पूर्व में रह गए डॉक्टर साहब जो है अब दोबारा जो है यहाँ सीएमएस की कुर्सी पर विराजमान है और हम उम्मीद करते हैं, हम आशा भी करते हैं कि आगे जो है कार्यकाल उनका बहुत बढ़िया चलता रहेगा और हमारा पूरा योगदान हर वक्त जो है हम समदर्शी संस्था आपके साथ रहेगी। जैसे कि अब तक बिल्कुल अब हमें पूरी आशा है कि जो है डॉक्टर साहब के आने से बहुत ही यहाँ वृद्धि होगी, काम में भी वृद्धि होगी और शिक्षा क्षेत्र में भी है। क्या बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो जो उनकी जो पुरानी दिक्कतें रही हैं, समस्याएं, उनसे फीडबैक लेंगे और एक मरीज प्रथम के सिद्धांत पे काम करेंगे कि यहाँ पर मरीज आए तो मरीज का इलाज जरूर, कोई रिफर सेंटर बनकर ना रहे, तो पहले इस तरीके से हम काम करेंगे। सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है और ऑब्स्टेट्रिशियन भी है, यानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, सीजेरियन यहाँ पर शुरू हो गए हैं, तो हम जनता से कहेंगे कि यहाँ पर आए अस्पताल में और उनका अगर सीजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी जैसी भी आवश्यकता होती है वो हम ज़्यादातर ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यहीं पर हो और बच्चे वाले डॉक्टर भी यहाँ शीघ्र आने वाले। और फायर सीजन के दौरान जंगलों की आग पर काबू पाने में नाकाम रहने वाले लेंसडाउन डिवीजन की कोटद्वार रेंज के अधिकारी को डीएफओ ने क्लीन चिट दे दी है। रेंज अधिकारी नवीन जोशी को शासन स्तर से फायर सीजन के दौरान लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इधर नोटिस जारी होने के बाद से डीएफओ ने रेंज अधिकारी को अब क्लीन चिट देते हुए कहा है कि अब उनका कार्य संतोषजनक है। मैं सभी वन क्षेत्राधिकारियों के द्वारा बहुत मेहनत की जा रही है, रात रात भर ये लोग गश्त कर रहे हैं और फील्ड में कार्यरत हैं। प्रारंभ के दिनों में ऐसा हुआ था कि मैनेजमेंट में कुछ कमी आई थी और उनको समझने में दिक्कत आई थी, इसलिए मैंने उनसे स्पष्टीकरण पूछा, कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद सभी में अपेक्षित सुधार हुआ है और ये कार्य करते आ रहे हैं। और वहीं चिलचिलाती गर्मी के बीच उत्तराखंड में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने प्रदेश के मौसम में बदलाव की संभावना जताई है और उन्होंने इस दौरान बताया है कि 1 जून तक मौसम में बदलाव की संभावना है और इसी के तहत प्रदेश में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अधिकांश जनपदों में बारिश की उम्मीद है। वहीं बारिश होने से तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। आपको बता दें साथ ही कि प्रदेश भर में भीषण गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है और पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में सूर्य की तपिश से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। वेदर एक्टिविटी की बात करें तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी रहेगी और कुमाऊं के जो हिल्स की बात करें तो वहां पे हिल्स में ही मैं कहूंगा कि जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों तक में मिलेगी, विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में। कल भी स्थिति ऐसे ही है, परसों से आप देखें तो जो एक्टिविटी बढ़ने वाली है, आप ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊं रीजन है उसमें अनेक जगहों तक में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलेगी हिल्स में और जो गढ़वाल रीजन है उसमें भी कुछ जगहों तक में ये रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। लेंस में मैं कहूँगा कि एकाधुका जगहों में लेंस में भी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने चाहिए, तो आप देखेंगे टेम्परेचर भी कम हो जाएंगे और जो रेन का एक शुरुआत कह लीजिए कुछ जो है वो आपको मिलने शुरू होगी। और देहरादून पुलिस ने अपराधियों के फुल प्रूफ प्लान और पूरी तैयारी के साथ ही गई लूट की घटना का पर्दाफाश किया है।
इस घटना में शामिल दिल्ली की कुख्यात गैंग के मास्टरमाइंड सहित चार अभियुक्तों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि आरोपियों ने तिहाड़ जेल दिल्ली में डकैती की योजना बनाई थी, जिसका मुख्य सरगना और मास्टरमाइंड राजेश बंसल है। आपको बता दें कि आरोपी अभियुक्त पर हत्या के दो अभियोगों सहित करोड़ों रुपए की डकैती के कई मामले दर्ज हैं। श्री प्रणव सोइन जी है, उनका घर है राजपुर रोड पर, वहाँ एक चंद्रलोक कॉलोनी में तीन अज्ञात लोग वहाँ घुस जाते हैं और उनकी जो बुजुर्ग माता जी है और एक नौकरानी थी वहाँ पर, उसको डरा धमका कर तमंचे के बल पर जो है बंधक बनाकर उनका लूट का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ उनके घर पर कोई ऐसा उनको कैश नहीं मिलता है। इस दौरान बाहर पड़ोसी लोग को कुछ जानकारी ऐसी कुछ होती तो उनको देख कर ये बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। समस्त घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर, निरीक्षण करने पर ये पता चला कि तीन व्यक्ति घर के अंदर आए थे और एक व्यक्ति कहीं बाहर गली में खड़ा था जो रेकी कर रहा था, और इसके बाद जो पुलिस टीम को इसमें लगाया गया था, पुलिस टीम ने जो अपने जो हमारे मुखबिर तंत्र हैं और जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह आई उसको फॉलो करते हुए हम दिल्ली में ऐसा पता चला कि गैंग के सदस्य जो दिल्ली में सक्रिय हैं, पूर्व में भी वहाँ पर लूट डकैती और हत्या के केसेस उन पर दर्ज है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीलकंठ पैदल मार्ग पर हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है और इस मामले में पुलिस ने हत्या करने के आरोप में दो महिलाओं के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनको पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। साथ ही आपको बता दें कि अवैध संबंधों के चलते महिला की हत्या को साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि 25 मई को लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीलकंठ पैदल मार्ग पर एक महिला का शव पुलिस को मिला था, जिसके गले में निशान और एक दुपट्टा लिपटा हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू की है और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत 25 मई को नीलकंठ के पैदल मार्ग पर एक महिला का शव बरामद किया गया था, जिस महिला की हम लोगों ने शिनाख्त करने के बाद इसे मूलतः छत्तीसगढ़ की ये महिला थी और जो अभी हाल फिलहाल में मानेसर गुड़गांव में रहती थी, इसकी आइडेंटिफिकेशन करने के उपरांत हम लोगों ने इसमें धारा 302 और 231 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। और देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसे लेकर के शहरी विकास विभाग लगातार अपनी कवायद में लगा हुआ है। वहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखने के लिए शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने को जो है हमने निर्देशित किया है कि वो स्थलीय निरीक्षण कर जनता और क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ ही वहां की मॉनिटरिंग भी करें। क्योंकि ऐसे हमारे जितने अधिकारी गण हैं, इनसे भी मैंने कहा है कि ये अपने अपने इस स्थल को छोड़ के और ये जाएं और जनता के बीच में और हमारे अधिकारियों के बीच में एक समन्वय स्थापित भी करें और वहां पे जाके मॉनिटरिंग भी करें। एक हमने ये देखा है कि बहुत से तो हमारे निकाय जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना काम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि कोई साइनेज वगैरह कुछ लगाए, वहां हमारे मंदिर मार्ग है उसमें साइनेज वगैरह कुछ लगाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये अच्छा इम्पैक्ट डालती है। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की बेसिक व्यवस्थाओं और ज्यादा बेहतर करने के निर्देश अधिकारी को दिए हैं। ऋषिकेश पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करके चारधाम यात्रा पर भेजने के लिए भी कहा गया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद से राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को देखने के लिए ऋषिकेश पहुंची। उन्होंने यात्रा पंजीकरण कार्यालय का परिसर का निरीक्षण भी किया। देखिए चार धाम यात्रा चल रही है अभी, जो उत्तराखंड के जो चारों धाम है केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री, और उसमें बहुत संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं सभी प्रदेशों से। और यात्रा का जो एक मुख्य पड़ाव है वो ऋषिकेश है, क्योंकि ऋषिकेश से ही यात्रा ऊपर जाती है चारों धाम की।
और यहाँ पे जो ये ट्रांजिट कैंप है ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे यात्रियों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है, यहाँ से उनको भेजा जाता है, यहाँ उनको बेसिक कुछ सुविधाएं भी दी जा रही है जिनको वेट करना पड़ रहा है। ये निर्णय राज्य सरकार का है कि सभी यात्रियों का पंजीकरण किया जाएगा। और वहीं चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और स्कूलों की छुट्टियों के चलते जून में यह आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों की संख्या को बढ़ता देख पिछले साल की अपेक्षा स्क्रीनिंग केंद्र की संख्या बढ़ा दी है और साथ ही श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चारधाम यात्रा में कई जगह पर हेल्थ एटीएम भी लगाए गए हैं। आपको बताते चले कि इस साल 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा 27 मई तक जितनी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं इसमें जून के महीने में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए कांग्रेस वॉर रूम ने रणनीति बनाई है। 2 जून को पार्टी के पोलिंग एजेंटों को मतगणना की ट्रेनिंग दी जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय वॉर रूम ने सभी राज्यों के साथ ही मतगणना को लेकर वर्चुअल बैठक की है। उत्तराखंड के से जो है प्रदेश महासचिव एवं वॉर रूम के अध्यक्ष नवीन जोशी शामिल हुए हैं और बैठक में पार्टी हाईकमान की ओर से मतगणना को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए। जानकारी दी गई कि पार्टी के निर्देश है कि पूरी प्रक्रिया का अध्ययन कर पोलिंग एजेंटों को मतगणना के लिए भेजा जाए। फॉर्म 17C और पोस्टल बैलेट की गिनती के दौरान विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी तरह का संदेह होने पर पार्टी की लीगल टीम और वॉर रूम को सूचना देनी होगी। नवीन जोशी ने बताया कि 2 जून को सभी पोलिंग एजेंटों पर मतगणना का प्रतिशत दिया जाएगा। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वॉर रूम ने कल पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे वॉर रूम के अध्यक्ष हैं उनकी बैठक ली थी। बैठक में विस्तार से किन किन मुद्दों का हम लोगों ने ध्यान रखना है उस पर चर्चा हुई थी। 17C जो फॉर्म है उसको लेकर जो उसको पत्र दिया जाता है कितने वोट पड़े हैं क्या, उसका मिलान हम लोग करेंगे। और पोस्टल जो बैलेट है उसमें भी हम लोगों की विशेष तौर पर तैयारी है कि कितने पोस्टल बैलेट हैं और हमारे जितने भी एजेंट हैं उनको इसकी ट्रेनिंग पहले भी दी जा चुकी है और आगे भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो और निष्पक्ष चुनाव हो और उसमें किसी पारदर्शिता सामने आए इसको लेकर हमारी ट्रेनिंग चली और आगे भी चलेगी। और नेशनल हाईवे 58 पर एक बस का ब्रेक फेल हो गया, बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में आपको बता दें 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं और सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष देवप्रयाग के महिपाल सिंह रावत फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को ऋषिकेश चिकित्सालय पहुंचाया गया। अच्छा, ये कहां से आ रहे थे आप लोग? तेलंगाना से। लगभग यहां पे घटना घट गई थी ना, उसके बाद यहाँ पे पुलिस आई तो पुलिस ने आपकी हेल्प करी? पुलिस वाला आया, थोड़ा आधा घंटे में आ गया, उसको इंफॉर्मेशन करने का लेट हो गया। जब तक मैं तो सबको हेल्प कर लिया। जी जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? सब लोग आ गए, आप सब लोग हेल्प कर रहा, मेरे के अभी गाड़ी पास से आगे बढ़ा दे रहा, कुछ ट्रीटमेंट भी दे रहा, छोटे 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 लगे। बाकी सब सुरक्षित है ना? बाकी सब सुरक्षित। चलो, बद्री विशाल की कृपा, आप सब सुरक्षित हैं। आपकी कोड़ियाला से ऊपर तुलता घाटी के मध्य एक बस पलट गई है। इस सूचना पर मैं अपने फोर्स सहित वहां पर मौके पर पहुंचा। वहां देखा तो एक बस जो यात्रियों को लेकर के ऋषिकेश की तरफ जा रही थी, ये बस बद्रीनाथ से दर्शन करके वापिस जा रही थी, यह अचानक रोड पर पलटी हुई थी जिसके अंदर यात्री फंसे हुए थे। मैंने अपने फोर्स की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाला और जो घायल थे उसमें से तुरंत उनको एक गाड़ी रुका करके उनको उपचार हेतु ऋषिकेश भेज दिया। जब मैंने जांच की तो ड्राइवर द्वारा बताया गया कि भाई ये बस जो है हम लोग यात्रा करके आ रहे थे, इसमें तेलंगाना की 28 सवारियां थी, यात्रियां थी, और अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया यहाँ पे और गाड़ी नीचे की तरफ थी, तो मैं अगर इसको दाहिनी तरफ नहीं मोड़ता और पहाड़ की तरफ तो हो सकता बड़ी घटना घटती। मैंने पहाड़ की तरफ जहाँ मिट्टी थी उसकी तरफ गाड़ी को घुमाया तो गाड़ी पलट गई थी। भगवान का शुक्रिया कि सभी सुरक्षित हैं। और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गरुड़ चट्टी पुल के निकट एक स्कूटी खाई में गिर गई।
घटना में स्कूटी सवार दो युवक घायल बताए जा रहे हैं, जिनको पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया है, जहां एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामले में अपनी जांच भी शुरू कर दी है, जिससे पता चले कि आखिरकार हादसा क्यों और कैसे हुआ। और टीबी रोग को जड़ से खत्म करने के लिए राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में स्टेट टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें हर मेडिकल कॉलेज के टीबी का उपचार मुहैया कराने की बात रखी गई है। वहीं इस बात पर स्टेट टास्क फोर्स के चेयरमैन और दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 तक का लक्ष्य दिया है। उत्तराखंड इससे अच्छा कार्य करता रहा है और उसे देखते हुए मुख्यमंत्री धामी 2024 तक का लोगों को लक्ष्य दिया है। यहाँ पर साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में एम्स के अलावा 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 3 गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जहाँ पर टीबी के लिए पूरी यूनिट उपलब्ध है। स्टेट टास्क फोर्स मीटिंग हुई थी एनटीपी के बैनर के तले। एनटीपी जो मैं बताऊं आपको, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 का टारगेट दिया है टीबी को एक ऐसी प्रॉब्लम ना बचे उतना तक कम करने का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 उत्तराखंड के लिए रखा है, क्योंकि उत्तराखंड अभी तक बहुत अच्छा कार्य इसमें करता रहा है। तो ऐसे में सभी मेडिकल कॉलेजेस की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और हम लोग करते आ रहे हैं। और प्रदेश के अस्पतालों में आग की घटनाएं रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग एसओपी जारी करेगा, जिसमें अस्पताल प्रशासन को सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए जाएंगे। और वहीं दिल्ली के बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में आग लगने से नवजातों की मौत की घटना के बाद से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। और कुछ ही दिन पहले ही देहरादून के राजकीय कोरोनेशन अस्पताल के एक वार्ड में आग लगी थी, और ऐसी खबरें बार बार आने के बाद ही अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और अस्पतालों में आग की घटनाएं रोकने के लिए एसओपी की तैयारी कर रहा है। देखिए, ऐसे जो संभावनाएं हैं उनको रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी एसओपी जारी किए जा रहे हैं, और अभी विदित हुआ है कि भारत सरकार से भी अभी ब्रॉड गाइडलाइंस इसके संबंध में आए हैं। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि अभी सभी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह स्टोर हैं उनको एनओसी प्राप्त किया जाना होगा फायर डिपार्टमेंट से। ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स की थरो इंस्पेक्शन की जानी होगी, संबंधित लोकल स्तर पे जो सीएमओ हैं उनके द्वारा रेगुलर इंस्पेक्शंस किए जाने अनिवार्य होंगे। इस प्रकार की जितनी भी संस्थाएँ हैं उनका इलेक्ट्रिकल लोड ऑडिट किया जाना ज़रूरी होगा। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Hey mom. Hey.